नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। खबर है कवर्धा से। गर्मियों की छुट्टियों में जहां विद्यार्थी अपना अवकाश मना रहे हैं, वहीं पालक अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर संस्थानों की खोज में जुटे हैं। तो कहीं नए पालक अपने बच्चों का शैक्षणिक नींव ही एक विश्वसनीय और उच्चतर संस्था से जोड़ने की तलाश में है। इसी तलाश को आसान करने न्यूज़ 21 की टीम कवर्धा के प्रतिष्ठित एवं प्रथम CBSE स्कूल गुरुकुल पब्लिक स्कूल पहुंची और कैंपस के अलावा स्कूल के और मैनेजमेंट से खास बातचीत की। देखिए किन सुविधाओं के साथ गुरुकुल पब्लिक स्कूल बच्चों के भविष्य के लिए कार्यरत है और साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल एवं मैनेजमेंट ने क्या कहा। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ मेघा यादव और अभी हम उपस्थित हैं गुरुकुल स्कूल पर। आइए यहाँ के प्रचार से शिक्षा और व्यवस्था को लेकर के बात करते हैं। सर, आप गुरुकुल स्कूल के प्राचार्य हैं, अपना संक्षेप में जानकारी दीजिए। मैम, थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ आए। गुरुकुल स्कूल ही मेरा अपने आप में एक परिचय है और जगदीश सांकला मेरा नाम है। इस संस्था में पिछले 2-3 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ। जोधपुर राजस्थान का निवासी हूँ और मैंने अपनी BSc मैथमेटिक्स से की है और इंग्लिश MA इंग्लिश हूँ मैं। मैम, बहुत गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि मैं गुरुकुल स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मुझे इसी वर्ष इसी गुरुकुल स्कूल के माध्यम से रीजनल ऑफिसर भुवनेश्वर एक अच्छे प्रिंसिपल के रूप में सम्मानित किया और इसी वर्ष मुझे एक बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला इंदौर के अंदर। तो ये मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है। सर, स्कूल कैंपस के बारे में जानकारी दीजिए। मैडम, गुरुकुल स्कूल जैसे कि आपने देखा ये बहुत विशाल कैंपस है जो लगभग 15 एकड़ ज़मीन के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर 3 विंग है जिसमें एक सीनियर विंग है जो पीछे की तरफ बनी हुई है। हम जिस विंग में बैठे हैं ये हमारा मुख्य एकेडमिक विंग है और जहाँ से आपने एंट्री की वहाँ पर हमारा नर्सरी विंग जो है प्री प्राइमरी विंग है। और टोटली यदि हम ग्राउंड्स के बारे में यदि बात करें तो हमारा गुरुकुल स्कूल 15 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन के अंदर है और ये गुरुकुल के लिए ही नहीं, यहाँ के पेरेंट्स के लिए और विद्यार्थियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास में इतने विशाल ग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए और इतने विशाल 3 मल्टी स्टोरीज़ के अंदर ये हमारा स्कूल बना हुआ है। जिस विंग में हम बैठे हैं यहाँ पर करीबन 65-67 रूम्स हैं। हमारी प्री प्राइमरी विंग्स के अंदर यदि हम बात करें तो वहाँ पर कम से कम 25-27 रूम्स हैं और सीनियर सेकेंडरी विंग के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी 25-27 रूम्स हैं। तो बात यदि हम बात करें कि ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी की, तो हमारे पास बहुत सारा स्पेस है और यहाँ विद्यार्थियों को बैठने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। हम 1-to-1 फर्नीचर अवेलेबल करवाते हैं बच्चों के बैठने के लिए। सारे रूम्स एयरी हैं, वेल लाइटेड हैं। इससे बड़ी और विद्यार्थियों के लिए और पेरेंट्स के लिए खुशी की क्या बात हो सकती। सर, ये स्कूल दिखने में बहुत बड़ा है, इसमें कितने एकेडमिक विंग्स हैं? मैम, जैसे कि आपने देखा, आप जब से यहाँ पर अंदर प्रवेश हुई होंगी, विशाल भवन है जिसका 15 एकड़ ज़मीन से भी ज़्यादा ये ज़मीन है और हमारी 3 एकेडमिक मुख्य विंग हैं। एक नर्सरी विंग है, एक सीनियर सेकेंडरी विंग है और एक मिडिल विंग है। तीनों विंग्स के अंदर अलग अलग ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी है। जहाँ तक बात हम क्लासरूम के बारे में बात करें तो क्लासरूम की साइज़ बहुत पर्याप्त साइज़ है, एयरी रूम्स हैं, वेल लाइटेड हैं। जहाँ हम बच्चों के बिठाने की बात करें तो CBSE के नॉर्म्स के अनुसार हम मैक्सिमम 40 बच्चों को एक क्लासरूम में बिठा सकते हैं, एक सेक्शन बिठा सकते हैं, लेकिन गुरुकुल ने कभी ऐसा नहीं किया। वहाँ मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स की ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी के साथ हम बच्चों को बिठाते हैं। और जहाँ तक फर्नीचर के बारे में बात करते हैं तो फर्नीचर में हमने 1x1 और 2x1 का फर्नीचर भी हमने सेटअप कर रखा है। विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त जगह है रूम्स के अंदर और ये जो बिल्डिंग इतने ह्यूज, जिसके बारे में आपने चर्चा की कि बहुत विशाल है, तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि भवन वास्तव में विशाल है। सर, प्ले ग्राउंड और गेम्स के बारे में जानकारी दें। मैम, गुरुकुल के पास में बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। हर प्रकार के खेल को बढ़ावा देता रहा है गुरुकुल। जैसे कि आपने सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर फुटबॉल का जो ग्राउंड बना हुआ है, विशाल ग्राउंड बना हुआ है। अंदर जैसे हम एंट्री करते हैं वहाँ पर बास्केटबॉल का ग्राउंड है। पीछे की तरफ यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास में कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन्स के इंडोर ग्राउंड्स हैं। हमारे पास में हर प्रकार के गेम की सुविधा है। गुरुकुल ने बच्चों के
उनको एनहेंस करने के लिए, उनकी हर दबी हुई क्षमताओं को निकालने के लिए हर प्रकार के गेम को बढ़ावा देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। और जहाँ तक बात हम गेम्स के बारे में करते हैं, तो ऐसा कोई गेम नहीं है जिसको गुरुकुल बढ़ावा नहीं देता। जिस प्रकार की बच्चे के अंदर जो भावना होती है, जो गेम वो खेलना चाहता है, उसको गुरुकुल हमेशा बच्चे की दबी हुई भावनाओं को निकालने का प्रयास करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। सर, सभी स्कूलों में लैब की सुविधाएं होती हैं, तो क्या गुरुकुल स्कूल में भी ऐसा है? जी मैम, जहाँ तक बात लैब की हम बात करें, तो गुरुकुल इसी नाम से तो जाना जाता है। गुरुकुल के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर के अंदर हम बात करें तो हमारे पास में 3 लैब्स हैं। प्री प्राइमरी के लिए अलग है, प्राइमरी के लिए अलग है, सीनियर सेकेंडरी विंग के लिए हमने अलग अलग लैब्स बना रखी है। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात करें तो इक्विप्ड विद ऑल द डिजायर्ड इक्विपमेंट्स, उनमें सभी जितने भी जो इक्विपमेंट चाहिए वो। फिजिक्स के अंदर यदि हम बात करेंगे, इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी पहले के टाइम में वो प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे, लेकिन आज भी हमने उन इक्विपमेंट्स को इक्विप कर रखे हमारे लैब्स के अंदर। तो लैब के अंदर गुरुकुल हमेशा रिच रहा है और आगे भी रहेगा। लैब कह दें, यदि हम बात स्मार्ट बोर्ड्स के बारे में कह दें, क्लासरूम्स के बारे में कह दें, तो इसमें हमेशा गुरुकुल रिच रहा है और आगे भी रहेगा। मैम, हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधाओं की कोई कमी नहीं, और सुविधाओं के साथ में गुरुकुल कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है। सर, सुना है कि गुरुकुल विद्यार्थियों को मेस की सुविधा देता है, तो मेस की जानकारी दीजिए। जी मैम, यहाँ गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों के लिए मेस कंपलसरी पहले था, अब आजकल हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन किए हैं कि कुछ टिफिनर्स भी हैं, अपने टिफिन के साथ में भी आ सकते हैं। जहाँ तक बात मेस के अंदर करते हैं, तो हम यहाँ पर एक बच्चों को अच्छी मेस सुविधा, अच्छी से मतलब सात्विक भोजन की हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सात्विक भोजन होता है यहाँ पर, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी भोजन नहीं परोसा जाता है जिस प्रकार से कोई जैसे परहेज किया जाता है। यहाँ पर नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन सभी प्रकार की डिशेस बच्चों के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन ये पूर्णतः वेजिटेरियन है। यहाँ पर हम बच्चों को बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसते हैं, और हमारे इस भोजन की, इस खाने की तारीफ तो दूर दूर तक होती है। जो भी पेरेंट्स आते हैं हमारे पास में, वो कम से कम हमारे मैथ्स के अंदर बनने वाले दाल की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। हमारे यहाँ पर मैथ्स में बनने वाले जो पकोड़े, जो यहाँ से जो प्रीवियस एल्यूमिनस हैं, वो कम से कम उन बहुत पसंद करते हैं। जब भी आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे को पकौड़े और दाल खिलाइए, इसकी एक विशेषता रही है मैम। तो हम बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन परोसते हैं बच्चों को, क्योंकि जैसे सात्विक भोजन खाएंगे वैसे सात्विक विचार होंगे मैम। क्या गुरुकुल आवासीय स्कूल भी है? जी मैम, गुरुकुल बिल्कुल रेजिडेंशियल स्कूल है, हम रेजिडेंस की सुविधा प्रदान करते हैं। यदि आप अंदर की तरफ विजिट करेंगे तो आप देखेंगे बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है। तो बॉयज़ हॉस्टल के अंदर हमारे पास में 500 से भी ज़्यादा बच्चों के ठहरने की व्यवस्था है, और गर्ल्स हॉस्टल के अंदर भी मोर देन 200 गर्ल्स को ठहरने की सुविधा है। और गर्ल्स हॉस्टल तो चूंकि अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो उसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हम बच्चियों का एक विशेष ध्यान रखते हैं, दोनों ही हॉस्टल में दो दो हॉस्टल वार्डन हमने रख रखे हैं, जो उन बच्चों का बिल्कुल विशेष ध्यान रखते हैं। और उस हॉस्टल के अंदर कोई भी ऐसा कमरा नहीं होगा, सारी डॉर्मेंट्रीज़ के अंदर क्या नाम कहेंगे कि सीसीटीवी कैमरास लगे हैं बॉयज़ के अंदर, गर्ल्स के अंदर ऐसा नहीं है। जो मेन जितने भी जगह है वहाँ पर सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। दोनों ही जगह पर दो दो हॉस्टल वार्डन हैं जो बच्चों का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। आवासीय सुविधा हमारे पास में, न जाने दूर दूर से बच्चे हमारे पास में आते हैं, और हमारे गुरुकुल हॉस्टल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। हमारे हॉस्टल्स जो वार्डन हैं उनके ऊपर स्पेशली इतना फोकस करते हैं कि हर बार हमारे हॉस्टल से बच्चे टॉप करके निकलते हैं। इस बार भी हमारे हॉस्टल के बच्चे जो बायोलॉजी के अंदर एक टॉपर बच्चा निकला है मैम। गुरुकुल स्कूल में बच्चे कैसे पहुंचते हैं? मैम, जैसे आप देख रहे हैं कि गुरुकुल स्कूल जो है मैन कवर्धा से 5 से 6 किलोमीटर दूरी के ऊपर स्थित है, और इतना बड़ा ह्यूज कैंपस सिटी में होना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए दूरी की वजह को देखते हुए हमारे पास में बसेज की सुविधा है। जो हमारी बसेज है जो ऑल ओवर कवर्धा के अंदर और आसपास के कम से कम 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तक हमारी बसें रन करती है, और जितने भी विद्यार्थी हैं मैक्सिमम विद्यार्थी बसेज के द्वारा ही आते हैं मैम। और हमारे पास में मोर देन 28-29 बसेज हैं हमारे पास में, और इन्हीं बसेज के अंदर यदि हर बस के ऊपर यदि बात करें, तो यदि 28 बस है तो कम से कम 30-35 हमारे पास में ड्राइवर हैं, और 35 मेल और 35 फीमेल कंडक्टर्स हैं जो बच्चों की देख रेख करने के लिए हमने अपॉइंट कर रखे हैं मैम। सर, गुरुकुल स्कूल में कितने विद्यार्थी तथा स्टाफ हैं? मैडम, गुरुकुल
एक नाम है यहाँ पर, एक ब्रांड है कवर्धा के अंदर और पूरे कबीरधाम जिले के अंदर। यदि हम बात करें तो आज की तारीख में, यदि हमारे पास में यदि बात करें तो करीबन 1900 के आसपास विद्यार्थी हमारे पास में पिछले गत वर्ष में जो अध्ययनरत थे, और उन्हें पढ़ाने के लिए 120 से भी ज़्यादा का टीचिंग स्टाफ था मैम। और यदि हम टोटल स्टाफ के बारे में बात करें जो गुरुकुल के अंदर कार्यरत है, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग के अंदर बात करें, तो मोर देन 400 का स्टाफ था मैम। और इस साल जहाँ तक बात है जो एडमिशन का जो फ्लो चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लिमिट हम 2000 से आउट क्रॉस कर जाएंगे मैम। सर, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं और क्लासरूम कितने हैं? मैम, आज के यदि युग में यदि बात करें प्रेजेंट एरा में, तो देखिए टेक्नोलॉजी का यूज़ है, तो हर टीचर को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आना ही चाहिए। और इन टीचर्स को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना हम ही सिखाएंगे, इसलिए हम टाइम टू टाइम इन टीचर्स को ट्रेनिंग करते हैं, इनकी ट्रेनिंग देते हैं। तो इन हाउस ट्रेनिंग तो होती है, हम उसके साथ ही साथ में बाहर से ट्रेनर को भी बुला के उन्हें ट्रेन करवाते हैं मैम। हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, हमारे पास स्मार्ट लैब्स हैं, और सभी टीचर्स जो हमारे इतने डेडिकेटेड हैं कि सब अपनी प्रिपरेशन के साथ में कुछ जो हमारे पास में मैनुअल बोर्ड के साथ साथ में जो डिजिटल बोर्ड्स हैं, तो अपने घर से तैयारी करके लाते हैं, पेन ड्राइव के अंदर अपने प्रोग्राम्स को लेकर आते हैं और बच्चों को डिजिटली पढ़ाते हैं। और क्योंकि युग भी आज का डिजिटल युग है मैम। रही बात जहाँ तक क्लासरूम्स के देर बात करें, तो जिस मेन बिल्डिंग के अंदर हम बैठे हैं, जो हम इसको मिडिल विंग कहते हैं, यहाँ 65-67 रूम्स हैं मैम। और हम नर्सरी बिल्डिंग के अंदर बात करें, तो वहाँ पर 25-27 रूम्स हैं। और सीनियर सेकेंडरी विंग के अंदर बात करें, तो वहाँ पर भी 25-27 रूम्स हैं। और जहाँ तक बात ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी की, तो हमारे पास में बहुत सारी क्षमताएँ हैं। आज कम से कम 3,000 से 4,000 बच्चों को हम यहाँ पर टीचिंग करवा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा। रही बात जहाँ तक ज़मीन की है, हमारे पास इतनी ज़मीन है कि 5,000 से 7,000 बच्चे हो तो भी हमारे पास बिठाने में कोई कमी नहीं है मैम। आप यहाँ के प्रभारी प्राचार्य हैं, अपना संक्षेप में जानकारी दें। मैडम नमस्कार, पहले मैं आपका गुरुकुल परिवार में, गुरुकुल कैंपस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं जून 2009 से मैडम यहाँ विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। ज्ञान दर्शन शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल पब्लिक स्कूल में मैं विगत फरवरी माह से प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है इंग्लिश सब्जेक्ट में, और मैं बीएड अपना जो है आरडीबीपी जो मैंने जबलपुर से कंप्लीट किया है। गुरुकुल स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? जी मैडम, गुरुकुल पब्लिक स्कूल में हमारे विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नर्सरी से लेकर के क्लास 9th और क्लास 11th में प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। कुछ क्लासेस में हमारी जो लिमिटेशन है, जैसे हम एक क्लास में लगभग 30 स्टूडेंट के ही जो है रखते हैं, कुछ क्लासेस में वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, कुछ क्लासेस में अभी मतलब सीट्स है। तो मेरा आपके जिस न्यूज चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को ये संदेश है कि यदि वो हमारे विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, तो यथाशीघ्र आकर के यहाँ पे संपर्क करके अपनी सीट जो है रिजर्व रख सकते हैं। सर, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स गुरुकुल में ही एडमिशन कराने के लिए क्यों इच्छुक होते हैं? मैडम देखिए, जहाँ तक बात है कि पेरेंट्स यहाँ इच्छुक क्यों होते हैं, कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो कि गुरुकुल पब्लिक स्कूल ही देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके इस पूरे ज़िले में छात्रावास की बात करें, सिर्फ हमारे विद्यालय में ही है। स्विमिंग पूल की बात करेंगे, जो कि हमारे विद्यालय में ही है। उसके अलावा मैडम, हमारे मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव रहा है शिक्षा के साथ संस्कार। भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बच्चों को एक संस्कारवान नागरिक बनाना, ये हमारे विद्यालय की प्रथम वरीयता रही है। क्योंकि मैडम, अगर एक बच्चा संस्कारवान रहेगा, तो निश्चित रूप से वो आगे चल के अपने जिले का, परिवार का, पूरे देश का नाम हर फील्ड में रोशन करेगा, और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए। और मैडम, इसके अलावा जो और एक विशेष चीज़ है कि पेरेंट्स यहाँ पे क्यों चाहते हैं, मैडम हमारा जो विद्यालय है, अगर हम इसकी फीस की बात करेंगे, अगर आप अदर और स्कूल से इसको आप तुलना करेंगे, लगभग 50% का डिफरेंस, 50 से 60% का भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जो मध्यम वर्गीय फैमिली है, इतने कम बजट में अपने बच्चे को अच्छी सुविधा, संस्कारवान शिक्षा देने का एकमात्र स्थान गुरुकुल पब्लिक स्कूल ही है। सर, पालकों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम,
वर्तमान समय में हमारे विद्यालय में लगभग 300 से अधिक कैमरे सुचारू रूप से संचालित हैं। आप देखे होंगे कि अगर कोई भी पालक हमारे विद्यालय में प्रवेश करना चाहता है, पहली चीज़ तो गेट से क्या होता है, उसके फोटोग्राफ किया जाता है और उस फोटोग्राफ में एक ERP मैडम हम लोगों ने डेवलप किया है, उस ERP में उसकी फ़ोटो सेव हो जाती है। मान लीजिए कोई पालक अपने बच्चों के यहाँ पर एडमिशन कराया है, वो किसी को भेजना चाहता है, तो वहाँ पे एक जो है रजिस्टर्ड होता है, सिर्फ वही ही अपने बच्चों को लेकर के जा सकते हैं, उनकी फ़ोटो सब कुछ वहाँ पे रहता है। तो गेट से लेकर के मैडम जब से बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है और अंत तक पूरी मतलब हर जगह CCTV कैमरेज हैं। यहाँ तक कि मैडम अगर आप बसेज में भी देखेंगे, बस में जैसे ड्राइवर हैं, मेल कंडक्टर हैं, फीमेल कंडक्टर, उसके साथ साथ उसमें CCTV कैमराज पूरे उसमें फंक्शन है। और इसके साथ साथ मैडम हमने उसमें से डिवाइस सब उसमें डेवलप किया गया है, यहाँ से बैठे हुए ही हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हर चीज़ वहाँ पे देखता रहता है। और मैडम पेरेंट्स भी अगर इस चीज़ को चाहते हैं देखने के लिए, बहुत जल्दी हम उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को देख सकते हैं कि मेरा बच्चा किस जगह पर पहुँचा है, कितनी देर में मेरा बच्चा मेरे घर पर पहुँच जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक एक कोने पे कोई भी जगह मैडम ऐसा खाली नहीं जहाँ पे कैमरे की व्यवस्था नहीं की गई है। और उसको मॉनिटर करने के लिए भी दो जो हमारे यहाँ एम्प्लाई हैं कंटिन्यूसली वो उसको सिर्फ ध्यान ही देते रहते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। सर, करिकुलर एक्टिविटीज़ गुरुकुल की अहम हिस्सा है, क्यों समझाइए। मैडम आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, को करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर हम मैडम बात करते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जो है और क्षेत्र में भी जो है आगे बढ़ना है, चाहे वो डांस हो चाहे स्पोर्ट्स हो, तो गुरुकुल पब्लिक स्कूल इस क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है। अगर आप बात करेंगे स्पोर्ट्स में, इंटरनेशनल प्लेयर अभी हमने 3 दिए हैं जो कि सम्मानित भी हुए हैं। मैडम हमारे यहाँ जो कैलेंडर बनता हुआ है, जो कैलेंडर बनता है होल ईयर का, पूरे साल का, उसमें वीकली वन डे हम CCA एक्टिविटीज़ कराते हैं। कभी इंग्लिश डिबेट कंपटीशन रहता है, कभी हिंदी डिबेट कंपटीशन रहता है, उसके अलावा मैडम हम इंटर स्कूल डांस कंपटीशन है, इंटर स्कूल क्रिकेट कंपटीशन है। अभी विगत वर्षों में मैडम हमने जो है मैत्री जो है क्रिकेट मैच का आयोजन किया था, जिसमें आप कवर्धा की जिला पुलिस जो है टीम चैम्पियन थी। इसके अलावा मैडम जब हम को करिकुलर की बात करते हैं, उससे क्या होता है, अगर हम डिबेट कंपटीशन करा रहे हैं तो उसमें बच्चों की प्रतिभा निखरती है। और मैडम हमारे विद्यालय का एक फोकस ये रहा है कि जरूरी नहीं कि हम शिक्षा में ही बच्चे को आगे बढ़ाएं। अगर कोई बच्चा आर्ट में आगे है तो हम उसको आर्ट में आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई डांस में आगे है तो उसको हम डांस में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए मैडम इसीलिए हमने एक्सपर्टाइज डांस की भी हमारे पास एक्सपर्टाइज हैं, म्यूजिक में भी एक्सपर्टाइज हैं, आर्ट के भी हैं, इसीलिए हम जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। सर, जब मैं अंदर प्रवेश हुई तो बहुत सारे एलिमिनी IAS IPS इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के फोटो लगे हुए हैं, तो ऐसी शिक्षा के लिए गुरुकुल क्या करती है। मैडम मैं विगत 15 वर्षों से इस विद्यालय पुलिस सेवाएं दे रहा हूँ और मुझे आज ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे पढ़ाए हुए लगभग 10 बच्चे IAS या PCS में हैं, मोर देन 100 बच्चे CA हो गए हैं, इसके अलावा मैडम लगभग 50 बच्चे डॉक्टर्स हो गए हैं। अब बात आप पर जो एलुमनीज की फोटो है, ये कैसे होता है, तो मैडम ये जो हमारी पूरी टीम है, जो टीचर्स की टीम है, ये उनके ऊपर पूरे साल वर्कआउट करती है। मैडम हम उसमें क्या करते हैं कि बच्चों का लेवल क्या है उसको हम बाइफरकेट करते हैं और बच्चे को किस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने जरूरत है उस पर हम फोकस करते हैं। समय समय पर मैं जो है मैडम हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं, वो उनको सब्जेक्टिव भी चीज़ें बताते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, आज के एरा में क्या चीज़ की डिमांड है, क्या चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी कड़ी में मैडम अभी इस सत्र में माय मैनेजमेंट ने मैडम साधना पांडे को अपॉइंट किया है एज ए एकेडमिक काउंसलर, जो कि हमारे स्टूडेंट्स को हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग देंगी, जिसका प्रतिफल ही है कि हम इतने IAS IPS PCS डॉक्टर्स CAs हम प्रोड्यूस कर पाए हैं। और मैं ये आपसे
वादा भी करता हूँ कि विगत वर्षों में जो ये संख्या है वो बहुत ज्यादा संख्या स्कूल बढ़ाएगी और सिर्फ कवर्धा ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। सर पेरेंट्स को क्या अपील करना चाहेंगे बच्चे को लेकर के? जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप गुरुकुल में पधारे और अपना अमूल्य समय दिया। गुरुकुल इसके लिए कर्जदार हैं आपके चैनल का, और गुरुकुल का सभी अभिभावकों से एक ही निवेदन है कि आप निश्चिंत रहें शिक्षा को लेकर और बच्चों की सुरक्षा को लेकर। गुरुकुल हमेशा ही इस बात के ऊपर फोकस करता रहा है, तत्पर रहा है कि यहाँ पर किसी भी बच्चे के साथ में किसी भी प्रकार की शिक्षा को लेकर उसकी सुरक्षा को लेकर कोई अनहोनी ना हो, और हम ये भी आगे भी प्रयास करते रहेंगे। हमारा पहले भी प्रयास था और आगे भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। आप अपने बच्चों के प्रवेश के लिए जो प्रवेश प्रक्रिया चालू है उसको अति शीघ्र, यदि आप बच्चे का सर्वांगीण विकास करवाना चाहते हैं और संस्कारवान शिक्षा, शिक्षा से पहले यदि संस्कार के ऊपर बात यदि अपन करते हैं, ऐसी शिक्षा के ऊपर विचार करना चाहते हैं, तो गुरुकुल एक आपके लिए सोर्स है, एक माध्यम है जहाँ पर आप बात करें। हमारा एक ERP प्लेटफॉर्म भी है मैडम, जिसके माध्यम से भी पेरेंट्स को सारी जानकारी उपलब्ध है। उस ERP के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी समय समय पर उनको मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। सभी प्रकार की जानकारी ERP पे अवेलेबल है। जी मैम थैंक यू सर। पूरे स्कूल को देखने के बाद मैं सभी पेरेंट्स से ये अपील करूंगी कि अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए, संस्कार के लिए यहाँ एक बार जरूर विजिट करें। धन्यवाद।